हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी मूंगफली की चाट। ये मूंगफली के दाने हैं और हमने इनको ओवरनाइट भिगोया था। ये बहुत अच्छे से फूल गए हैं और धुल लिए हैं और इनको एक कुकर में डाल के हम बॉईल करेंगे और इनको बॉईल कर लेंगे। और इसी में ये हमने छोटे छोटे आलू छील के रखे डाल दिए हैं, इनको भी बॉईल कर लेंगे, एक ही साथ बॉईल हो जाएगा। और ये सेंधा नमक है, ये पूरा ढेला बन गया है लेकिन वो गल जाएगा, कोई बात नहीं। और पानी डालिए एक गिलास। और चलिए, कुकर की लीड लगा दिए हैं, अब इंडक्शन पर रख दिए हैं। इनको 3-4 सीटी आने तक बॉईल कर लेते हैं। यहाँ पे 10-15 मिनट हो चुका है, देखिए कुकर का लीड निकल गया है। और ये चेक कर लेते हैं बॉईल हुई कि नहीं अच्छे से। देखिए बहुत अच्छे से मैस हो जा रही हैं, बहुत अच्छी पकी हैं। और चलिए अब इनके आलू हम निकाल लेंगे बाहर, जो हमने आलू डाले थे इसमें, बहुत छोटे छोटे आलू हैं, इनको निकाल लेते हैं। और जो ये मूंगफली है, जितने आलू हैं ऐसे करके हमें निकाल लेना है। ये चाट खाने में बहुत टेस्टी लगती है, आप नवरात्रि का व्रत चल रहा है उसमें बना के खा सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं कभी मन करे। देखिए हमने प्लेट में भी निकाल लिया है। और चलिए इसके लिए अब खट्टी मीठी चटनी बना लेते हैं, बिना चटनी के तो चाट फीका है। ये 2-3 हरी मिर्च ले लिए हैं और 1 टमाटर कट करके लिया है। और ये हैं धनिया के डंठल, धनिया के डंठल से चटनी बहुत अच्छी बनती है, मैं कभी नहीं फेंकती हूँ। और अब इसमें ये गुड़ डाल देंगे क्योंकि मीठा भी चाहिए, दो हमने गुड़ डाला है, थोड़ी अदरक। इसको ऐसे कट करके चाकू से डालेंगे, ये बड़ी थी थोड़ा। जब ये खट्टी मीठी चटनी रहेगी, चटनी तो वैसे भी अच्छी लगती है। और आधा नींबू डाल देंगे खट्टा करने के लिए। अगर आप यहाँ पे अमचूर पाउडर चाहते हैं तो अमचूर पाउडर अगर आपके पास है तो वो डाल लीजिए, अगर नींबू नहीं है तो, लेकिन नींबू से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आधा चम्मच जीरा और ये सेंधा नमक है व्रत वाला, इसको डाल देते हैं, थोड़ा और डालेंगे। और अब ये 5-6 हम काली मिर्च ले लिए हैं और इसको चलिए चटनी को बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चटनी बन चुकी है। चलिए अब चाट बनाते हैं। ये हमने मूंगफली के दाने ले लिए हैं, ठंडे भी हो गए हैं, और आलू जो कट करके रखा था उसको भी इस पे चाट पे डाल देंगे। आलू से इसका टेस्ट और अच्छा लगेगा। आप जो भी व्रत में खाते हो वही डालिएगा। और ये हरी मिर्च है बारीक बारीक कट करके रखी थी, वो भी डाल देते हैं। आप जो भी खाते हो वही डालें। और ये खट्टी मीठी चटनी, इसको भी डाल देंगे। और ये बहुत ही पसंद आती है सबको। और ये जो हमने हरा धनिया कट करके रखा था उसको डाल देते हैं। अगर आप यहाँ पे लाल मिर्च खाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। और नींबू निचोड़ देते हैं इसमें, इससे टेस्ट इसका और दोगुना हो जाएगा, खट्टा मीठा चटपटा। और ये जो हमने नमक बना के सेंधा वाला रखा है, ये चटपटा नमक वैसे भी है। और इसको मिक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स, चाट हमारी बन चुकी है, आप लोग भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए चाय भी हमारी बन चुकी है, चाय और चाट एंजॉय करिए आप लोग भी। जय माता दी।